जिले का उमरी बेगमगंज क्षेत्र रविवार सुबह एक के बाद एक धमाके से दहल उठा। अचानक तेज धमाके की आवाज से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। क्षेत्र की एक दुकान में एक के बाद एक 13 सिलेंडरों में तेज धमाके के साथ विस्फोट हो गया। बताया जा रहा है कि दुकान में अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग होती थी। इस दुकान में रखे गए गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया। अब तक 13 सिलेंडर में धमाका हो चुका है। भीषण धमाके से दुकान की छत भी उड़ गई। वहीं आसपास की दुकानों को खाली करवा लिया गया है। पुलिस व अग्निशमन विभाग की टीम ने पिछले 3 घंटों के प्रयास के बाद आग पर काबू पा लिया है। यहां के आदमपुर बाजार में बाबू नामक एक व्यक्ति गैस सिलेंडर में रिफिलिंग का काम करता है। उसकी दुकान में रिफिलिंग के लिए 40 सिलेंडर रखे हुए थे। बताया जाता है कि रविवार की सुबह करीब 8 बजे दुकान में रखे सिलेंडर में रिफिलिंग की जा रही थी, तभी उसमें विस्फोट हो गया। विस्फोट होते ही दुकान पर मौजूद लोग भाग खड़े हुए। जब तक कोई कुछ समझ पाता, तब तक एक के बाद एक सिलेंडरों में विस्फोट शुरू हो चुका था। तेज धमाकों की आवाज से क्षेत्र दहल उठा। इससे बाजार में भगदड़ मच गई। बाजार को खाली करवा लिया गया है। जिस दुकान में सिलेंडर रखा हुआ था, उसकी छत ढह गई है। मौके पर कई थानों की पुलिस व अग्निशमन विभाग की टीम को भेजा गया है। सिलेंडर में विस्फोट से आसपास की ढाबली की दुकानों पर आग लग गई है। आग पर काबू करने का प्रयास किया जा रहा है। सीओ महावीर सिंह का कहना है कि पुलिस टीम मौके पर है। अग्निशमन दस्ता आग बुझाने का प्रयास कर रहा है।